आज पूरे वर्ल्ड के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का पावन प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे संसार के अंदर जहाँ भी गुरु का सिख रहता है वो तो गुरु महाराज का पावन प्रकाश पर्व जी हाँ बोलो बोलो गुरु महाराज का पावन प्रकाश बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। अजमेर में भी पावन प्रकाश पर्व श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथियाबाटा कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये तीसरा दीवान चल रहा है, क्योंकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में सजाया गया है। कल के दो दीवान हाथियाबाटा गुरुद्वारे में सजाए गए थे, परसों कीर्तन दीवान की समाप्ति, परसों और अखंड पाठ साहब की समाप्ति, उसके बाद कीर्तन दीवान प्रारंभ किए गए। कल के दोनों दीवान सुबह और शाम के हाथियाबाटे गुरुद्वारे के अंदर आयोजित किए गए, उसके बाद दीवान के बाद संगत को लंगर चढ़ाया गया। आज का मेन दीवान आप देख रहे हैं किस तरह से हजारों के लोगों में संख्या में लोग घूम रहे हैं, जो गुरु से प्यार करता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी को महाराज मानता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ ऐसी शख्सियत हुए जिन्होंने अपने चारों बेटों को कुर्बान करके उस अकाल पुरख वाहेगुरु का शुक्राना किया। आज हमारा कोई बच्चा जरा बीमार हो जाए, डॉक्टर मना कर दे सीरियस है तो हमको परेशानी होती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने दो बच्चों को गुरु युद्ध में भेज के मैदान जंग में तैयार करके भेजा और वहाँ शहीद करा दिया। फिर वो कहने लगे बाप कटाया बेटे भी कटाऊंगा। उनके पिताजी नवे पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली चांदनी चौक में कतल कर दिया गया था, उन्होंने वहाँ अपनी शहादत दी। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना बलिदान दिया। सभी दुनिया के लोग ये कहते हैं, एक कवि कहता है, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सब में, सारे संसार के अंदर मुगले राज ही होता। मुगले राज ने बहुत ज़्यादा अत्यंत लोगों को दुखी कर दिया, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब गुरु महाराज ने अपना अवतार धारण किया, नवे पिता ने साहेब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने जब अपना बलिदान दिया, उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 साल की अवस्था में थे। जब उन्होंने अपने पिता का शीश देखा तब उन्होंने बोला कि संसार के अंदर ऐसा जीव मर्जीवड़ा पैदा हुआ जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर देगा। वो काम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किया, अपने बेटे कटाए, बाप कटाया और सरहन से मैं सुरगुरु होकर जाऊँगा। सन में जहाँ पे माछीवाड़े जंगलों में गुरु महाराज जब सारा कुछ छोड़ के जाने लगे तो गुरु महाराज डर के नहीं गए, उन्होंने ताली बजा के औरंगजेब को बोला, औरंगजेब मैं जा रहा हूँ और तेरे में शक्ति है तो मुझे आके पकड़ के गिरफ्तार कर ले। लेकिन उसकी किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको गिरफ्तार कर सके या पकड़ सके। ऐसे गुरु के हम सीखे और आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देश विश्वविता का सारे अजमेर की संगत और पूरे संसार के सिख समाज के लोग बड़ी उत्साह के साथ मना रहे हैं। आप सारी संगत को, अजमेर वासियों को, सारे सिखों को गुरु महाराज के पावन प्रकाश की लख लख बधाइयाँ हों। गुरु नरेंद्र सिंह छावड़ा सचिव श्री सिंह सभा हाथियाबाटा गुरुद्वारा, अभी कीर्तन दीवान के बाद संगत के लंगर की सेवा भी की जाएगी। आप सारी संगत अधिक से अधिक पहुँचे, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें। नरेंद्र सिंह छावड़ा सचिव श्री सिंह सभा हाथियाबाटा गुरुद्वारा, मुख्य अतिथि ये तो गुरु महाराज हैं, आईजी साहब आए हुए हैं, रुपिंदर सिंह कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं और भी सर्वदर्श मेहते धर्म के समझ के लोग भी आए थे। सभी ने आके गुरु महाराज माता टेका, भी कलेक्टर साहब और आईजी साहब बैठे हैं, शब्द करता सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गुरु महाराज की गोद में बैठ के अपना जीवन सफल कर रहे हैं, उनका भी अभी सम्मान किया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।